इरेने ओ इरेने मैं बोला लेने मतलब सो गाइस रचन का हगले का काफी ज्यादा मजा आया जो कि मुझे मुझे छोड़ नहीं रही है वैसे दोस्तों आप लोगों ने सपने में चुड़ैल देखा होगा बट हकीकत में कभी नहीं देखा होगा बट मैं दिखा देता हूँ कि मेरी एक्स कैसी लगती थी भाई दिल थाम के बैठना डरना वरना नहीं है भाई तो मेरी एक्स सेम ऐसी लगती थी बहुत ही प्यारी चीज दिखाने वाला हो जो कि सूर्य डूबने के बाद ही दिखा सकता हूँ चलो ठीक है वेट नहीं कराऊंगा आप लोगों को दिखा देता हूँ चांदनियों का ग्रुप वैसे सासू माँ लोग जरा हाय कर दो तो दिल की बात बोलने से जो है दिल का दर्द कम हो जाता है सो दोस्तों बहुत मुश्किल से एक सांस मिली थी अब वो मर गई टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा सो हेलो दोस्तों वेलकम टू बैक टू माय अनदर ब्लॉग सो दोस्तों ये ब्लॉग में तो काफी ज्यादा मजा आने वाला है क्योंकि भाई ये ब्लॉग में ना काफी ज्यादा एंटरटेन करने वाले आप लोगों को भाई फनी बातें बोलेंगे जो आप लोगों को अच्छा लगे सो गाइस आप लोगों को एक बात और बता देना चाहता हूँ मैं क्या बताना चाहता हूँ मेरे सामने एक लड़की खड़ी है चलते उसके पास बात करते हैं दोस्तों आप लोगों ने सपने में चुड़ैल देखा होगा बट हकीकत में कभी नहीं देखा होगा बट मैं दिखा देता हूँ कितनी प्यारी चुड़ैल है यार और चुड़ैल लोग काफी प्यारी होती है ठीक है जो कि आप लोग डरते हो चुड़ैल हाँ चुड़ैल है आप चुड़ैल नहीं हो क्या हो पापा की परी हो हाँ ये पापा की परी है और मैं कौन हूँ क्या हूँ अच्छा तुम भी हो मगरमच्छ सो गाइस इतना बड़ा मगरमच्छ से मिलना है तो मरीन पे आओ ठीक है और ये रोज बेचता है दिखाइयो रोज सो गाइस इनसे रोज लेना ये लोग 20 रुपए में रोज देते भाई तो रोज रोज लेना मतलब रोज रोज लेना ठीक है हाँ मैं भी रोज रोज लूंगा क्या रोज और कुछ मत समझना ठीक है जा रहे हो क्या आप जाओ बाय चलो सो गाइस चलते आगे बिना कोई बकचोदी के तो आप लोगों ने देखा भाई क्या तबाही मचा मैंने सो गाइस मैं आप लोगों को भाई मैं अपनी एक्स के बारे में बताना चाहता हूँ मेरी एक्स कैसी दिखती थी वहाँ यहाँ पे ना एक जो है ऐसा प्रश्न आया हुआ है ना भाई कि मेरी एक्स जैसे सेम दिख रहा है तो मैं दिखा देना चाहता हूँ आपको कि मेरी एक्स कैसी लगती थी भाई दिल थाम के बैठना डरना वरना नहीं है भाई तो मेरी एक्स सेम ऐसी लगती थी ये देखो अभी भी पीछा नहीं छोड़ रही है जो कि भाई कबर तक साथ में जाएगी मेरी एक्स की बात कर रहा हूँ उसको मत लेना मेरी जान क्योंकि पहले ही मर गया वो आधा उसके प्यार में पूरा मरने वाला हूँ कुछ दिनों में और मैं क्या बोलूँ प्यार तो नहीं है बट नफरत बहुत ज़्यादा है उसके लिए किसके लिए एक्स के लिए यार दिल पे मत लेना सो गाइस मैं आप लोगों को जो है एक बहुत ही प्यारी चीज़ दिखाने वाला हूँ जो कि सूर्य डूबने के बाद ही दिखा सकता हूँ चलो ठीक है वेट नहीं कराऊंगा आप लोगों को दिखा देता हूँ चांदनियों का ग्रुप सो गाइस ये है चांदनियों का ग्रुप जो है काफी प्यारी प्यारी है मुझे लग रही है कितनी एक दो तीन मेरी पांच सासू माँ है वैसे सासू माँ लोग जरा हाय कर दो तो वैसे किसकी किसकी बेटी है ये दो आपकी दो बेटी है एक लड़का एक लड़की अच्छा किसकी अच्छा एक लड़की मेरे जल्दी बोल कल सुबह पनवेल निकलना मेरे एज से कौन सी मैच करी किसकी लड़की मेरे एज की होगी सबकी अच्छा 28 साल की कोई नहीं मैं 21 साल का कर लूंगा प्यार में सब कुछ जायज है वैसे आंटी लोग काफी ज्यादा प्यारी हैं और बच्चियां भी होंगी मैं तो ऐसे ही पसंद कर ले रहा हूँ आंटी को देख के ही पसंद कर लिया मैंने बेटी को हाँ आंटी को देख के बेटी को पसंद कर लिया ओके आंटी आप लोग से मिलके अच्छा लगा ठीक है हाँ वो तो है काफी प्यारी प्यारी आंटियां हैं और मैं क्या ही बोलूं ओके बाय
सो गाइस मैं आगे जा रहा था और मौसम काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन हो रखा है और मैं क्या यहाँ पे बैठ सकता हूँ क्या मैम? बैठ जाओ। सो दोस्तों इस समय मैं ना मरीन ड्राइव पे बैठा हूँ। यहाँ पे बोलते दिल की बात बोलने से जो है दिल का दर्द कम हो जाता है। सो दोस्तों बहुत मुश्किल से एक सांस मिली थी और वो मर गई। और इनको देख के ऐसा लग रहा है ना कि मतलब वो मेरे बचपन की एक फ्रेंड थी जिसके नाक से नेटा बहता था। अब वो बॉम्ब लग रही है। हाँ, उसका बारूद मैं बनना चाहता हूँ क्योंकि बारूद के बिना बॉम्ब अधूरा है ना। ये सिंगल है, मैं क्या करूँ? है वैसे टेकन है तो क्या करो, उसको अलेक्स पे भेज दो। सही बोला, मेरी जान नहीं बोलूंगा क्योंकि जान तुम किसी और की हो। बाकी अगर तुम बनना चाहती हो तो बन सकती हो। नो नो, आप बनना चाहती हो? नहीं, वैसे मैं आपको बनाऊंगा नहीं, इसको बनाऊंगा। वैसे वैसे कहते हैं ना चुड़ैल लोग काफी खतरनाक होती है, बट इस चुड़ैल को देखने के बाद मुझे नहीं लगता कि भाई चुड़ैल से डरना चाहिए, जो कि मेरे को प्यार आ रहा है इस चुड़ैल पे। क्या कर रही हो, मुझे शर्म आ रही है। आप मुझे चुड़ैल कैसे बोल सकते हैं? एक्चुअली चुड़ैल नहीं बोल रहा, प्यार से बोलेंगे या प्यार से बोलते ना वो भी है। कैसे प्यार से? राशि बोल दो। प्यार से चलो ठीक है, रानी बोल देता हूँ। अच्छा रानी या। राशि रानी। ओ मेरी राशि रानी, बिन मांगे ये जहां पा लिया। वैसे आपकी स्माइल काफी अच्छा है, पता है मैं तुमको रोज याद करता, तुमको हिचकी नहीं आती क्या? नहीं, क्योंकि मैं आपको जानती नहीं ना। अच्छा आप मेरे को जानती नहीं, चलो ठीक है जान जाना धीरे धीरे। बाय द वे आपको देख के ऐसा लग रहा है आप कोई एक्टर के जैसा ही लग रहे हो, मतलब मैंने आपको कहीं तो देखा है। मैं इंस्टा पे रील्स बनाती हूँ। रील्स बनाती है? हाँ तभी देखा होगा। कितने फॉलोअर है आपके? मेरे 838K। ओ माय गॉड, मैं इतने फेमस बंदी को भाई अपने वीडियो में लाया यार, बिग मैन। अच्छा वो सब मेकअप का कमाल है, तभी मैं पहचान नहीं पाएगा इस वो सब मेकअप का कमाल होता है, नहीं तो मैं पहचान लेता, क्योंकि मैं एक बार जिसको देख लेता हूँ ना भाई उसको पहचान लेता हूँ, जो कि मैं इनको नहीं पहचान पाया। अच्छा वो आप मेकअप नहीं करके आया, नहीं तो मेकअप धुल जाता क्योंकि बारिश हो रहा था ना, बेकार हो जाता सब कुछ और लोग डर जाते तुमको देख के। तो ये जो रियल है वो रियल है। सो गाइस आप लोग को ये चुड़ैल कैसी लगी कमेंट में जरूर, मतलब राशि मतलब रानी कैसी लगी तो बता देना कमेंट में, और मैं क्या ही बोलूंगा। और वो आंटी मतलब अच्छा वो लड़की कैसी लगी वो भी बता देना जो भी है। सो गाइस एक काम करते हैं, ब्लॉग को करते हैं कंटिन्यू बिना कोई हंसी मजाक मस्ती का, ठीक है? बाय। इधर कुछ बोल दो। सो गाइस मैं आगे जा ही रहा था, मैं क्या ही बोलूं, एक्सक्यूज मी मैम, डू यू नो हिंदी? सो गाइस देख रहे हो काफी बेहतरीन काफी खूबसूरत माल जो है दिख गई है मुझे, और मैं क्या सो मैम वेयर आर यू फ्रॉम? स्पेन। ओ स्पेन की माल जो है काफी मुझे अच्छी लगती है, मतलब यू आर सो ब्यूटीफुल एंड अट्रैक्टिव। हाय एंटिक, और व्हाट्स योर नेम? अभी व्हाट्स योर नेम? इरेने। पांच इराना इरेने। अच्छा, इरेने। ओ इरेने, मैं बोला लेने मतलब देने। अरे यार कुछ भी निकलना मुझे। सो आपसे मिलकर काफी अच्छा लगा, मतलब क्या बोले, नाइस टू मीट यू, बाय, गिव यू अ हग। सो गाइस रशियन का हग लेके काफी ज्यादा मजा आया, जो कि मुझे मुझे छोड़ नहीं रही है वैसे। सो गाइस मजा आ गया यार, तबाही मचा दिया आपके भाई ने, तबाही मचा दिया।